इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉकक्रॉफ्ट वेल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर। ये एक डिवाइस या सर्किट होता है जिसके बेस पर हम वोल्टेज को मल्टीपल फैक्टर में इंक्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इनपुट पीक वोल्टेज वी नोट है, तब आउटपुट पर 2V0, 3V0, 4V0 यानी कि मल्टीपल फैक्टर में इंक्रीज करते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉकक्रॉफ्ट वेल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर। और ये कंसिस्ट होता है, बना होता है, इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, एसी ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर दैट मीन्स डायोड होता है, और कैपेसिटर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एसी सोर्स है, ये एक ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पर ये कैपेसिटर C1, C2, C3, C4, C5 एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं। वैसे ही डायोड D1, D2, D3, D4 इस तरीके से होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, आपको ये बात याद रखनी है कि रेक्टिफायर अगर एक फॉरवर्ड होता है तो दूसरा रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, इस तरीके से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं, एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, यानी कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा चेंज होता है। और ये कैपेसिटर होते हैं, हर एक गैप में एक होता है, देखेंगे इस गैप में एक, इस गैप में एक, इस गैप में एक। अब ये वर्किंग कैसे होती है? ऐसा मान लेते हैं कि पहले टाइम पर ये वाला जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। वर्किंग देखते हैं, तो जब ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, तो इस सिचुएशन में ये वाला डायोड यहाँ पर निगेटिव होगा, और जब यहाँ पर निगेटिव होगा तो ये डायोड रहेगा रिवर्स बाइस। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव, ये डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस। तो करंट इस तरीके से फ्लो होती है इस सर्किट में, करंट इस तरीके से यहाँ से। और ये कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। कितना था यहाँ पर, ये वी नोट, तो ये वी नोट ही चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर जब ये इस तरीके से करंट फ्लो होती है तो चार्ज हो जाता है। अब जैसे साइकिल चेंज होती है, नेक्स्ट साइकिल, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स, और ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर अभी ये पॉजिटिव होगा। वो करंट इस तरीके से फिल होगी, तो देखेंगे वी वोल्टेज ये और वी वोल्टेज ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2V वोल्टेज, क्योंकि वी वोल्टेज तो मिलेगा ट्रांसफॉर्मर से और वी वोल्टेज इस कैपेसिटर ने चार्ज किया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2V वोल्ट, और करंट फिल होगी इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, 2V नोट। अगर ये कैपेसिटर वी नोट चार्ज हुआ था, तभी ये कैपेसिटर चार्ज होगा 2V नोट। तो आप देख सकते हैं उसके बाद में फिर साइकिल रिपीट होगी। तो यहाँ पर जितने डायोड और कैपेसिटर लगे होंगे, उतने ही वोल्टेज को हम मल्टीपल फैक्टर में इंक्रीज कर सकते हैं। हमने वर्किंग केवल दो के लिए देखी है, देखेंगे सेम रिपीट होगी। जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल, तो ये वाला ऑन, उसके साथ में ये वाला ऑन, बहुत सारे जितने भी डायोड होंगे सब ऑन होते रहेंगे, और ये वाले ऑफ। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। फॉरवर्ड साइकिल के लिए ये वाला ऑन होगा, निगेटिव साइकिल के लिए ये वाला ऑन होगा। अब इस सर्किट में जितने भी डायोड होंगे, आप जितने चाहें 24, 25 स्टेज तक हो सकते हैं, लगा सकते हैं, इस तरीके से वर्क करता है। और आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है, मल्टीपल फैक्टर में हम आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। थैंक यू।